नमस्कार, मेरा नाम हितेश गौतम और आप देख रहे हैं storyhowhindi.com। साल 2018 अब जा चुका है और 2019 का स्वागत पूरे जोरों शोरों से हो रहा है। वैसे तो 2018 को कई मायनों में याद रखा जाएगा, लेकिन यकीन मानिए 2019 में होने वाली कई बड़ी घटनाएं आपको 2018 की याद कभी नहीं आने देंगी। जी हाँ, बात चाहे लोकसभा चुनावों की हो या फिर ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट की, ये साल कई मायनों में अहम होने वाला है। चलिए बताते हैं कि आखिर 2019 क्यों खास है। सबसे पहले बात चुनावों की। चूंकि राजनीति ही मुद्दा बनाती है और उन्हीं मुद्दों के सहारे सत्ता हासिल की जाती है, 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद इस साल यानी 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हमारे देश में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते। आपको बता दें कि सत्ता में मौजूद BJP के नेतृत्व में NDA को कड़ी टक्कर देने के लिए इस बार महागठबंधन तैयार हो रहा है। ऐसे में ये चुनाव न सिर्फ PM मोदी के लिए परीक्षा लेकर आएंगे, बल्कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर दिख रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी किसी टेस्ट से कम नहीं होंगे। बात चुनावों की तो लोकसभा के साथ इस साल देश के 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। आपको बता दें कि यहाँ भी BJP को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि बीते साल हुए 5 राज्यों के चुनावों में BJP अपने 3 राज्यों को गंवा चुकी है। चुनावों के अलावा इस साल जो अहम और बड़ा होने वाला है वो है कुंभ मेला। 12 साल में एक बार होने वाला हिंदुओं का धार्मिक मेला, जिसमें जगह जगह से लोग संगम में स्नान करने आते हैं। इस मेले के लिए UP सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि इस साल 15 जनवरी से 8 मार्च के बीच ये मेला प्रयागराज में होगा। पिछला साल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, तो वहीं साल भी सुप्रीम कोर्ट कई सालों से चले आ रहे मामलों पर सुनवाई करेगा और उन पर फैसला भी सुना सकता है। इन मामलों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला भी है। 18 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर जनवरी 2019 में सुनवाई करेगा। चुनाव और कुंभ के अलावा भी ये साल कई मायनों में खास है, क्योंकि क्रिकेट लवर्स को इस साल का बेसब्री से इंतजार रहा है। जी हाँ, 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा जो 30 मई से 14 जुलाई के बीच UK में खेला जाएगा। 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साउथहैम्पटन से अपने अभियान की शुरुआत करेगी और कुल 9 मैच खेलेगी। साथ ही 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। इन सब के अलावा भी ये साल इसलिए खास होगा क्योंकि बेंगलुरु में 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच देश में एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एविएशन एग्जीबिशन होने जा रहा है। इवेंट में एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियों के एग्जीबिशन लगेंगे, साथ ही लोगों के लिए एयर शो भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, storyhowhindi.com। इन इवेंट्स के बारे में जानकर आपको यकीन हो ही गया होगा कि आखिर 2019 कई मायनों में खास होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए storyhowhindi.com। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।